हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएंगे आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी जोडियक साइन, सभी राशियों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम मेजर अरकाना लेंगे, फिर हम लेंगे टैरोट एक। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। पॉजिटिविटी आपको गाइड देने के लिए आते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए नेगेटिविटी को दूर कर देते। मुझे पता है कार्ड्स अच्छे आएंगे। जब मैं ऐसे अपसेट हो जाती हूँ ना कभी डेक पर बैठ के, तो एंजल्स ने बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स देते हैं। देखते हैं एंजल्स, प्लीज़ हमें अच्छे कार्ड दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर की जल्दी वापस आ जाए, उन सभी की लाइफ में, और सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए, प्लीज़ सबकी हेल्प कीजिएगा। लेसन, ओके, ओ दो कार्ड्स हैं हमारे पास। वाओ, किसी ने, आप में से किसी ने ब्राउन या ग्रे कलर या येलो कलर का कुछ पहना हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड द फूल, ओके, चलिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर, किसी को सिर्फ टैरोट कार्ड रीडिंग देखना अच्छा लगता है, तो वो लोग सिर्फ देखने भी आते हैं। उन लोग के ऊपर क्या असर होगा इन सब चीज़ों की? कोई आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, और इस तरीके के कमेंट, नहीं नहीं नहीं। ओह, द हाई प्रिस्टेस, देखिए इस कार्ड से मैं दूसरे चैनल पे भी करती हूँ तो ये सेम एनर्जी आती है, एकदम ना लाइट तेज़ हो जाती है, पता नहीं क्यों। ओके, वन मोर कार्ड, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया चल रहा है। जो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, कहते हैं ना, अब आप लोग की इस तरीके से काउंट शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5, बहुत जल्दी समय आ रहा है, जो ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी आप लोग की लाइफ से। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में लाभ नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं आप लोग को बताने के लिए कि ये एंड होने वाली है। ओ ओ ओ ओ ओ, दो कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने हमें। पहला था हेरोफेंट, लास्ट है 6 कार्ड लेने थे, लेकिन ये एक और कार्ड आ गया है, तो द टावर, इसको भी ले ही लेते हैं। द हेरमिट, आपके पार्टनर वो अभी शांत रहना चाहते हैं, हो सकता है वो योगा या जिम करते हों, ठीक है, या फिर आप करते हों, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी होती है। इस वक्त आपको भी ज़्यादा खास लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं आ रही है, मजबूरी में आप लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास लोग हैं। अगर आपको एक जगह दे दी जाए और आपको शांत रहने को कहा जाए, तो आप शांत ही रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। या फिर आप, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कुछ यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लाइफ के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम नहीं कर रही है। ऐसा कभी नहीं होता। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट देर में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कभी कभी किसी को काफ़ी समय हो जाता है, रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद में जब रिज़ल्ट मिलता है तो उनका बिलीफ और बढ़ जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि मतलब अपना सब्र नहीं खोएं, सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही अच्छी होंगी। माना कि काफ़ी समय से आप लोग काफ़ी टाइम से अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है जॉब में भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग का दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं है, अपसेट हैं आप लोग, थोड़ा और शांत रहिए, ऊपर वाले में बिलीव कीजिए। अपनी शिकायतें बार बार दूसरों से करना, मतलब ऊपर वाले ने हमारे साथ ये कर दिया, ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या होता रहता है, इन चीज़ों को यूनिवर्स में नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ की आखिरी परेशानी हो, लेकिन आपने उसको इतनी बार रिपीट कर दिया कि वही सारी चीज़ें आपके साथ होती जाती हैं। फिर हम लोग देखते हैं ना कि अरे ये तो पर्सन कभी परेशान ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी कोई नेगेटिव चीज़ सोची नहीं। एक नेगेटिव पर्सन है उसकी लाइफ में, चीज़ें वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो भी इंसान पूछा भैया कैसे हो, बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों, तो वो बार बार यूनिवर्स में वही सब चीज़ें जा रही हैं।
बहुत सारे आप व्यूवर्स हैं जो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो समझ पाएंगे मेरी इस बात को कि बार बार अपनी परेशानियों को दोहराना नहीं चाहिए, जबकि ये कहना चाहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि आप भले से आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन वो ठीक होने वाली सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट कर ली। ठीक है, चलिए, द सन की एनर्जी है गाइस। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, ओके, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा बातें कर ली हैं। आई होप आपको ठीक लगी हो, नहीं लगी हो तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, ओके। द सन की एनर्जी है, आपकी लाइफ में नया सूरज निकलने वाला है, आपके रिलेशनशिप में नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर भी आप मुझे यही गाइडेंस देने को है आपको कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स तो आने ही वाले हैं, साथ में आपको मेडिटेशन और योगा करने की या जिम जाने की ज़रूरत है। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। चलिए अब हम टैरो डेक से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं एक एक कार्ड को, क्योंकि मुझे इस कार्ड को देखकर अजीब सी एनर्जी थी, इसलिए आज मैंने इस कार्ड को अलग से आपको बताया है। द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन में, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, द सन एंड द स्टार चमकने वाली है आप लोग की लाइफ, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। द स्टार एंड द सन, ओके, टू ऑफ वॉन्ट्स। देखिए तो स्ट्रेंथ क्यों आया है, करंट एनर्जी तो नेक्स्ट सेक्शन में, दो कार्ड्स हैं, दोनों ही हम लेंगे, दोनों ही सीधे आए हैं कार्ड्स। देखिए, अरे पेज ऑफ वॉन्ट्स और पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए गाइस पेज की एनर्जी आई है, ओके ठीक है। द फूल क्यों आया है, करंट एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन में, अच्छा नए से शुरू होने के, द सन भी आए हैं, द स्टार भी आ गया एंड द फूल भी आया है, ओ वाह, ओके। द फूल क्यों आया है प्लीज़ बताइए, क्या शुरू करना चाहते हैं फिर से, किस चीज़ से बेपरवाह होकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेंगे, किस चीज़ से, क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। ये दो कार्ड सीधे, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके चलिए। हाई प्रेसेस क्यों आया है, कौन है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में डेविल की एनर्जी, जो भी है उन्हें दूर कीजिए। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, आप लोग किसी मैरिड पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल और हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन में, प्लीज हमें बताइए। कार्ड्स भी नहीं आ रहे, ओके, टू ऑफ कप्स, यहाँ पर है टावर को हम यहाँ रख देते हैं, जिससे कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, द हेरोफेंट, कास्ट रिलीजन, शादी होने में दिक्कत आ रही है, कि द हेरोफेंट, ओ द हेरोफेंट दो बार आया है, मेजर अरकाना से भी, अचार वैदिक से भी, ओके यहाँ पर शादी को लेकर इश्यूज है, द व्हील ऑफ फॉर्चून द हेरोफेंट क्यों आया है, कब तक करेंगे हमारे व्यूअर्स के पार्टनरों से शादी, जो भी इशूज से प्लीज़ वो हटा दीजिए एंजल्स, ओके। गॉड प्लीज़ हेल्प अस, ओ स्ट्रेंथ भी दो बार आया है हमारे पास, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, गॉड
प्लीज हेल्प अस। हैरोफेन क्यों आया है मेजर का? ओके हाँ वाह गाइस, शादी एंड शादी, ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपकी शादी करवा दे। हैरोफेन एंड टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? वैसे तो ये कार्ड ही काफ़ी हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम एक कार्ड और लेंगे क्लियरिफाई करने के लिए। ओके ओके ओके, आपने गाइस देखा ज़्यादातर कार्ड्स आज खुद आए हैं। डेथ का कार्ड पता नहीं शफल करी थी, दिखा था कार्ड मुझे। ओके अभी हमें टावर के कार्ड को भी क्लियरिफाई करना है। ओके ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे टावर का कार्ड। चलिए हम यहाँ रखते हैं ताकि आपको दिख जाए टावर का कार्ड क्यों आया, फिर कार्ड साइड में रख देंगे। करंट फीलिंग और नेक्स्ट सेक्शन में टावर का कार्ड क्यों आया है? रीबर्थ होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का, शादी होगी, जो भी कड़वाहट है वो सब ख़त्म हो जाएगी, जो दूरियां हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। गॉड प्लीज हेल्प अस। द हर्मिट, ओके टावर के साथ द हर्मिट क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ हमें बताएं, किससे गाइडेंस ले रहे हैं हमारे पार्टनर, हमारी व्यूअर्स की पार्टनर? ओह द वर्ल्ड, ओके थ्री ऑफ कप्स, आप दोनों जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्द कुछ सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। आपकी भी सेम एनर्जीज हैं और आपके पार्टनर की भी, तो हम इन कार्ड्स को यहाँ रख देंगे। ओके चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ओके ओके द सन की एनर्जी है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इस कार्ड का मतलब बहुत जल्दी आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है, आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं। द स्टार, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे। ओके लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ अभी रोमांटिक तो हो ही रहे हैं, फिजिकली अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ। ओके हो सकता है टू आवर्स, टू वीक्स, टू डेज़ में आपके पार्टनर के कॉल, फ़ोन कॉल, मैसेज आने के चांसेस है। यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऑनलाइन डेट किया है उन्होंने किसी को, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले हो सकते हैं। ओके नए रिश्ते की शुरुआत होगी, फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, नए से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। और यहाँ पर मेरे को मेरे व्यूवर्स ने, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ऑनलाइन डेट किया है, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल हो गए हैं सेपरेशन को, इससे ज़्यादा भी हो सकते होते हैं। ओके स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में म्यूचुअल लव तो होगा ही, साथ में गॉड एंजल्स को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपके पार्टनर की हेल्प करने के लिए, कि वो जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ एक्शन लें, आपकी तरफ आएं। आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वो किस तरह से स्टॉक कर रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा जब आपके पार्टनर आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनके आपके ऊपर सिर्फ उन्हीं का हक है, वो चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको कोई हक नहीं है। आप किसी से भी बात करें, सोशल मीडिया पे कोई भी फोटोग्राफ्स अपलोड करें या स्टेटस लगाएं, वो कहीं ना कहीं से खोजबीन कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपको लेकर, ये मुझे ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है यहाँ पर है द फूल, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास द सन है, द स्टार है, द फूल है, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ तो है उनकी लाइफ में जो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। हो सकता है कि उनके फैमिली में उनको झगड़ा हुआ हो और वो गुस्से में घर से, मतलब उन्होंने कह दिया हो कि मैं अब घर से चले जाऊंगा या चली जाऊंगी, या फिर उनके फैमिली में उनके साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ भी रिश्ता वापस शुरू करना चाहते हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ भी उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं ये कंफर्म है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और उससे ख़त्म करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आप उसे पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। आज कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं, आप या तो किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं
या फिर किसी ऐसे पर्सन को डील पसंद करते हैं आप, उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं जो कि रिलेशनशिप में है। और ऐसा भी कोई है यहाँ पर जिसने एक किसी को प्रपोज़ किया हो, उस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया हो और वो वहाँ पे खुश नहीं है और आप चाहते हैं वो वापस आ जाए अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। ओके, आपके पार्टनर थोड़ा सा गिल्ट में, अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था तो भी ये जो अभी मैंने बताया आपको नया जिनका रिश्ता है उनके लिए था। ओके, आपके पार्टनर के सामने या तो उनके फैमिली की कोई सच्चाई आई है, और मुझे लग रहा है कि कोई मैरिड पर्सन देख रहा है, वो अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे शक करते हैं, इस वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके सामने अपने हस्बैंड या वाइफ का कोई सच आया है जिसकी वजह से आपको गाइडेंस चाहिए, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किससे बात करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से आप बात करेंगे तो आपको लगता है मेरे हस्बैंड या वाइफ की बदनामी होगी, उसके लिए लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से आपको दिमाग परेशान है। और शायद ऐसा कोई पर्सन रीडिंग देख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ने या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको रखते हुए किसी और को डेट किया है, तो वहाँ से उनको धोखा मिलेगा या फिर मिल चुका है और वो गिल्ट में है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, सोते रात को सोते हैं फिर उठकर बैठ जाते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो एन्जाइटी और डिप्रेशन इन दोनों का शिकार या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस है जो कि हमें साफ दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसी डेविल एनर्जीज को मैं रख देती हूँ, अजीब सी देती है ये कार्ड मुझे फीलिंग। आप दोनों के बीच में कोई तो डेविल एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे तो दूरियाँ बनाई, अब आपके पार्टनर इस डेविल एनर्जी से खुद इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं, सच्चाई सामने आने के बाद में वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने जब एंड किया इस पर्सन के साथ में, इसकी कोई सच्चाई सामने आई, सच्चाई सामने आने के बाद में आपके पार्टनर ने, अगर वो मेल हैं आपके पार्टनर, तो उन्होंने इस थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया था, उसकी वजह से अब जब सच्चाई सामने आई है तो वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, ऑब्वियस उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज है। आप अपने पार्टनर के साथ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो साथ हो जाएं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आप मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाए। यहाँ पर अब आपके पार्टनर जो है सेम फीलिंग में है कि थर्ड पार्टी से एंड करने के बाद में वो आपके साथ अब रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ वाला। वो आकर जो आपको कमिटमेंट देंगे, जो प्यार देंगे, वो एक नॉर्मल से रिश्ता नहीं होगा। अगर उन्होंने ये कहा आपसे पास्ट में कि चलो हम फ्रेंड बन के रहते हैं, तो वो इस एनर्जी में नहीं आएंगे, वो इस एनर्जी में आएंगे कि वो आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके साथ शादी करेंगे, जब आपको अपना प्यार का कप ऑफर करेंगे तो वो इस बात के साथ करेंगे कि अब मुझे इस रिश्ते में तुम्हारे साथ शादी करनी है। और अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियस है वो आपके साथ एक वापस नई दुनिया, एक घर या छोटा सा घर देख रहे हैं, वो नया घर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि अब हम दुनिया की नहीं सुननी है, अब हमें अपने रिश्ते शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। ओके, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून जो हमें साफ दिखाता है कि आप समय का पहिया चल रहा है, आप दोनों के मिलने का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी, आप दोनों के अंदर का कास्ट रिलीजन का इशू था या फैमिली इशू था, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली में डिसीजन सुना चुके हैं कि उन्हें आप ही की तरफ आना है, आपके बिना अब वो नहीं रहेंगे, फैमिली में डिसीजन सुना देंगे। अगर फैमिली से डरते थे तो उनमें स्ट्रेंथ आएगा, वो फैमिली से बात करेंगे आपके इस रिश्ते के बारे में। ओके, यहाँ पर हमारे पास द हेरोफेंट है। द हेरोफेंट का मतलब, इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टेन ऑफ कप्स। आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना है, अपने थॉट्स को बैलेंस करना है, अपने सेवन चक्रास को बैलेंस करके रखना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ तो रहे हैं, साथ में वो शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी का कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट आपको प्यार का देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर साफ है आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑब्वियस है, मतलब जो कार्ड्स कह रहे हैं, आप दोनों के जो रिश्ता है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे उसके साथ आपके पार्टनर का एंड होने वाला है। आपके लिए अगर ये कार्ड देखूँ मैं तो आप दोनों के रिश्ते का रीबर्थ होगा, ठीक है, वापस से आप दोनों का रिश्ता शुरू होगा, शादी होगी आपके पार्टनर से आपकी। द टावर का कार्ड आया है, आप दोनों के बीच में जो टावर का कार्ड, मतलब टावर का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट चल रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म हो सकता है वो, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। क्या गाइडेंस ले रहे हैं? कि आपके पार्टनर को आपसे दूरियाँ ख़त्म करनी है, द वर्ल्ड। आप अपने पार्टनर की दुनिया तो बन ही जाएंगे, साथ में उन्हें ये दूरियां ख़त्म करनी है। आपके साथ जो टावर मूवमेंट चल रहा है उस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ
ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन चल रहा था उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास लौट आना चाहते हैं, आपको अपने बैलेंस करना होगा अपनी लाइफ को, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने हैं। ओके गाइस, तो ये थे आज के हमारे रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।